भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक आर्थिक और राजनैतिक न्याय विचार अभिव्यक्ति विश्वास धर्म और उपासना की स्वतंत्रता प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित कराने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत अधिनियमित और आत्मप्रित करते हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का गुड़गांव की आवाज सामुदायिक रेडियो 107.8 मेगाहर्ट्ज़ पर। मेरा नाम है वंदना और ले आई हूँ आपके लिए प्रोग्राम हमारा संविधान। दोस्तों, मैं हूँ जहाँ हमारा शब्द जुड़ जाता है वो चीज अपनी हो जाती है और अपनी चीज के बारे में हमें पूरी जानकारी रखनी चाहिए, इसीलिए लेकर आते हैं हम आपके लिए विशेष कार्यक्रम। और हमेशा की तरह स्टूडियो में मौजूद है हमारे खास मेहमान विनीता जी, जो कि वी द पीपल नामक संस्था से आती है। आपका स्वागत है मैम। नमस्ते वंदना, नमस्ते सब लोग जी। तो दोस्तों, संविधान की प्रस्तावना जब हम पढ़ते हैं तो पिछले हफ्ते हमने बात की थी कि अभिव्यक्ति विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है। इस हफ्ते हम बात कर रहे हैं विश्वास धर्म और उपासना की स्वतंत्रता की। तो मैम, इसका मतलब क्या है, विश्वास धर्म और उपासना की स्वतंत्रता? इसका मतलब सरल रूप से तो यही है कि हम सबको जिस तरीके से हमें अपना जो धर्म अपनाना है और जिस तरीके से हम ये धर्म के प्रति हम हमारी जो हमको लगता है कि हम इस तरीके से करना चाहते हैं या जो जो धर्म बोल रहा है उस तरीके से हम अपनाना चाहते हैं, तो ये सब की हमारी स्वतंत्रता है। हम जिस भी तरीके से हमारा धर्म कि जो जो कहता है कि हमको जो करना है उस तरीके से हमको करना है, तो ये इस पूरी चीज की हमें स्वतंत्रता है जी। तो और इसमें ये एक दूसरा शब्द है विश्वास जी। मतलब कि विश्वास ये भी हो सकता है कि मुझे, और ये थोड़ा सा जिस तरीके से पिछली बार हमने बात की थी कि ये मेरा विश्वास है जी कि मैं ऐसा सोचती हूँ जी, या मैं इस तरीके से कुछ करना चाहती हूँ जी। ठीक है, ये भी जो भी आप विश्वास रखना चाहते हैं उसकी भी आपको स्वतंत्रता है जी जी। इसमें कभी कभी ये भी आ जाता है कि मैं जिस तरीके से अपना
अपना जीवन व्यतीत करना चाहती हूँ। जी हाँ, मेरा तरीका आपके तरीके से अलग होगा, जी, लेकिन ये मेरा विश्वास है कि इस तरीके से मैं करना चाहती हूँ। तो आपको बिल्कुल स्वतंत्रता है कि आप जिस तरीके से अपना जीवन जीना चाहते हैं जी, आप जिए। जी जी इसके एक पूरी व्यापक मतलब सिर्फ धर्म उपासना पर ये जो विश्वास शब्द आने से ना इसकी इसकी एक बहुत बड़ी डेफिनेशन या जिसको कहते हैं हम बहुत बड़ी बहुत परिभाषा हो जाती है जी। कि आप आपको चाहिए कि आप किसी धर्म किसी भी तरीके से व्यतीत अपना जीवन करना चाहते हैं, किसी धर्म के आधार पर करना चाहते हैं तो वो भी स्वतंत्रता है आपको। जी। आपको लगता है कि नहीं मैं अपना जीवन इस तरीके से व्यतीत करना चाहती हूँ, मैं ये पहनना चाहती हूँ, जी मैं इस तरीके से रहना चाहती हूँ। जी जैसे बहुत बार मैं एक अपना उदाहरण देती हूँ कि मैं हिंदू हूँ और जी शादी के बाद हम वैसे तो हिंदू धर्म में सिंदूर सिंदूर बिंदी भरते हैं पर मैंने कभी नहीं किया जी और मुझे नहीं लगता है कि वैसे मुझे अपना शादी के बाद वो सिंदूर मुझे पहनने की मुझे नहीं लगता कि मुझे वो जरूरी है जरूरी है। जी। तो ये मेरा विश्वास है जी हाँ कि शादीशुदा होते हुए भी मुझे वो चीज नहीं करनी है जो कहते हैं कि करना चाहिए लेकिन मुझे नहीं लगता कि वो जरूरी है। जी तो ये भी मेरी स्वतंत्रता में शामिल है। जी जी और आप देखेंगे आसपास लोगों को अलग तरीका है उनको सोचने का कि नहीं धर्म तो मेरा ये है लेकिन मैं इस धर्म में ये चीज नहीं मानती हूँ और मैं अपनी जिंदगी इस तरीके से व्यतीत करूंगी। तो ये भी आपको स्वतंत्रता है। जी जी हाँ, तो ये है इसका व्यापक इसकी व्यापक परिभाषा। जी, यानी कि हम अपने धर्म में कितना विश्वास रखें, किन धर्मों में विश्वास रखें, हमारे अपने क्या विश्वास हैं, तो ये जो है पूरा संविधान हमें इसकी आज़ादी देता है, इन चीज़ों में वो इंटरफियर नहीं करता है कि आप ऐसे करिए, या कोई हमारे खिलाफ नहीं बोल सकता। जैसे मैं आपको नहीं बोल सकती हूँ, नहीं आपको ये मानना ही पड़ेगा, ये आपको करना ही पड़ेगा, आपको सिंदूर लगाना ही पड़ेगा, बिल्कुल आपका जैसा विश्वास है आप वैसे जी सकती हैं। बिल्कुल दोस्तों, आप सुन रहे हैं हमारा संविधान कार्यक्रम। अब प्रोग्राम और भी मज़ेदार होने वाला है क्योंकि अब हम आपको देंगे कुछ केस, कुछ बताएंगे, और आप सोचें कि अगर आप उस केस में जज होते तो आप क्या फैसला करते। तो आप तैयार हो जाइए, और इसके बाद केस सुनने के बाद आपको कॉल करना होगा। हमारा नंबर है 9873551078 9853551078 9853551078। आप सुन रहे हैं गुड़गांव की आवाज कम्युनिटी रेडियो 107.8 मेगाहर्ट्ज पर, और कार्यक्रम का नाम है हमारा संविधान। तो आप भी इसमें भाग लें और जरूर कॉल करें इसके बाद। जैसे कि पिछली बार हमने कुछ कोर्ट के केसेस लिए थे ये समझाने के लिए कि ये किस तरीके से इस पे नतीजा निकलता है, किस तरीके से कोर्ट संविधान को लेता है सामने और वो संविधान के ये जो मूल्य हैं उसको सामने रखते हुए किस तरीके से वो नतीजा निर्णय लेता है। जी जी। और हमने पिछली बार दो कोर्ट केसेस लिए थे और इस वक्त भी इस प्रोग्राम में भी मैं यही करना चाहती हूँ कि हम कोर्ट केसेस को लेकर समझें कि इसकी परिभाषा क्या है, है ना। और मैं बताना चाहूंगी वंदना वापस से कि ये जो केसेस हैं ये मनगढ़ंत नहीं हैं, ये केसेस हैं जो हमारे कोर्ट गए हुए हैं केसेस, किसी ने इसका इस चीज पर ये परिभाषा पे एक मांगी है क्लैरिटी कि इस पे ये क्या है तो वो कोर्ट पे गए थे अपनी 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 चीज लेकर कि इनके साथ क्या हुआ है। जी। तो ये जो कोर्ट केसेस हैं वो बहुत जरूरी इसलिए हो जाते हैं समझने के लिए संविधान, क्योंकि इसमें इतने सारे सालों से जो जजेस हैं वो संविधान की परिभाषा पे अपना अपना गौर फरमाते हैं और फिर जी। उसकी क्योंकि बहुत बार हम समझते नहीं है ना जी, जी। शब्द तो समझने के लिए आसान है जी, जी। लेकिन अब देखिए हमने हमने कहा धर्म उपासना और विश्वास, विश्वास है ना जी।
अब धर्म तो थोड़ी बहुत हम समझ लेंगे कि हाँ, समझ गए कि स्वतंत्र धर्म की स्वतंत्रता है, जी लेकिन बहुत सारी चीजें ऐसे, विश्वास उसका क्या मतलब है? जी जी तो इसलिए इसीलिए जो कोर्ट में जो केसेस जाते हैं वो ये परिभाषा को और बेहतर बनाते हैं, जी और जी ये कोर्ट के जो केसेस हैं उनको समझना हमारे लिए अच्छी बात होती है, जी ताकि फिर हमारी बहुत बेहतरीन एक समझ बने समझ बने। जी जी ठीक है, चलिए। तो ये एक केस है, ये 3 बच्चों का केस है। अच्छा ये 3 बच्चे जो हैं वो एक संप्रदाय, मतलब एक धर्म है, धर्म में जो एक पाठ बोलते हैं जहवाज विटनेस, अच्छा उनका धर्म ये था। अच्छा और ये जो बच्चे हैं वो उस धर्म में विश्वास करते थे। अच्छा अब वो स्कूल जाते थे, जैसे अच्छा सारे बच्चे स्कूल जाते हैं, और वहां पर जब सुबह की असेंबली होती है, आपको पता है जब सब बच्चे जुड़ जी जी के जन गण मन तब गाते हैं, है जी ना, जी तब वो वहां पर खड़े रहते थे, जी और लेकिन वो गाते नहीं थे जनगण जनगण मन मन। जी, जी, खड़े जो रहते हमारा थे। राष्ट्रगान जी है जी 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 खड़े रहते थे, और आदर से वहां पर बैठे खड़े रहते थे, लेकिन गाते नहीं थे। जी और वो इसलिए नहीं गाते थे क्योंकि उनके धर्म के अनुसार ये राष्ट्रगान गाना ये उनके धर्म के अनुसार ये नहीं करना चाहिए था। अच्छा ठीक है, अच्छा तो उनको उनको ये लगा कि ये हमारे धर्म के हिसाब से हम वहां सही खड़े नहीं है। हैं, और हम गाएंगे नहीं। अच्छा, आदर करते थे पर हाँ गाते नहीं जी थे। जी जी और ये चलता रहा था काफी सालों से, वो वहीं पे बच्चे वहीं पे पढ़ते थे, तो जी ये चलता। लेकिन एक दिन किसी एक कोई वहां पर था जो बाहर से आए थे, स्कूल जी में आए थे उस दिन, और उन्होंने जब ये देखा तो उनको लगा तो ये तो बड़ी गलत बात हो रही है, जी मतलब बच्चे जनगण मन नहीं गा रहे हैं तो जी ये तो जी बड़ा अपमान की बात है। जी जी और वो वहां के, मतलब उनको लगा कि ये सही नहीं है, तो उन्होंने जाके अपने वहां पर जो प्रिंसिपल है उनसे बात की अच्छा कि ये क्या हो रहा है, ये जी फिर बाकायदा कमिटी बिठाई गई कि अच्छा ये क्या हो रहा है। जी और फिर नतीजा ये हुआ कि प्रिंसिपल ने वो बच्चों को स्कूल से निकाल निकाल दिया। दिया ओ कि ये सही नहीं है, आपको गाना होगा। बच्चे कह रहे थे कि नहीं, और उनके पिताजी माताजी भी आए, उन्होंने कहा कि ये हमारे धर्म के विरुद्ध है तो हम नहीं गाएंगे। अच्छा और फिर ये बात हो गई कि बेचारे मतलब परेशान हो गए, और ये तीनों पूरी बच्चे चीज जो हुई वो ऐसी हुई कि उनको फिर वहां से स्कूल से निकाला गया। जी और जो उनके पिताजी थे उन्होंने फिर काफी जद्दोजहद की, और उन्होंने फिर सुप्रीम कोर्ट में ये मामला, वो ले गए खुद पिताजी जो हैं वो सुप्रीम कोर्ट में ये मामला ले गए। तो सुप्रीम कोर्ट में क्या निर्णय लिया गया, क्या सोचा गया, किस तरीके से बातचीत हुई, और वहां पे जज ने क्या निर्णय लिया, ये हमें सोचने की बात है अभी। जी। तो अब सवाल मेरा अपने दोस्तों से कि आपको क्या लगता है कि सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरे केस में, इस पूरे मामले को देखते हुए क्या फैसला लिया होगा? आपको क्या लगता है, आपकी सोच क्या कहती है, आपकी समझ क्या कहती है? जब हम बात करते हैं विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता है, तो आपको क्या लगता है दोस्तों कि क्या फैसला लिया होगा कोर्ट ने? और एक कॉलर है, बात करेंगे। हेलो, हाँ जी, नमस्ते मैडम। नमस्ते तेजराम कौशिक जी। मैडम नमस्ते जी। जी जी नमस्ते, नमस्ते। ऐसा है जी, एक तो ये बात है कि वो किसी भी धर्म से हो, बच्चे चाहे, हेलो, जी बच्चे हाँ जी हाँ जी, सुन रहे हैं। किसी भी धर्म से हो, हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, फारसी हो, जो भी हो, जी मतलब उनको गीत गाना चाहिए था, अच्छा, क्योंकि वो राष्ट्र का सम्मान है, ना कि एक जाति का सम्मान है। और कोर्ट ने भी मेरे ख्याल से, मेरा जैसा अंदाजा है, यही कहा होगा कि उनको गीत, राष्ट्र गीत है, वो गाना चाहिए था, अच्छा और इसलिए खैर स्कूल से तो नहीं निकालना चाहिए बच्चों को ऐसे जी जी समझा के।
ये जरूरी है कि ये समझा के भाई ये देखो ये राष्ट्र का सम्मान है ना कि एक जाति धर्म का सम्मान है। अच्छा अच्छा। और राष्ट्र में इस राष्ट्र में हिंदुस्तान के इस राष्ट्र में हम हिंदू भी हैं मुस्लिम भी हैं सिख भी हैं ईसाई हैं जी सभी लोग हैं तो उनको का आदर सम्मान राष्ट्र का करना है ना कि किसी धर्म का करना है इसलिए उनको गाना चाहिए। जी जी। तो आपको लगता है कि कोर्ट ने ये कहा होगा कि उनको गाना चाहिए और इसी शर्त पे उन्हें स्कूल में वापस एडमिशन मिला होगा। हाँ कोर्ट ने ये कहा कि होगा कि इनको बच्चों को देखो सिखाओ समझाओ घर वाले भी समझाओ माँ पिता भी समझाओ जी कि इनको गाना चाहिए वो राष्ट्र का सम्मान है ना कि एक जाति धर्म का सम्मान है। चलिए सर बहुत बहुत शुक्रिया तेजराम कौशिक जी ये तो आपकी बात हुई देखेंगे और कॉलर क्या कहेंगे इस पे आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। नमस्ते। दोस्तों आप भी हमारे साथ जुड़ सकते हैं और आप बताएं कि इस पूरे मामले में जहां एक विशेष संप्रदाय से होते हुए इन जो तीन छात्र थे इन्होंने राष्ट्रगान गाने से इनकार कर दिया था इनको स्कूल से निकाला गया आपको क्या लगता है कि सुप्रीम कोर्ट ने क्या फैसला दिया होगा। और एक कॉलर है। हेलो हेलो नमस्कार सर। हेलो हेलो जी नमस्कार जी उनको मैडम जी को भी नमस्कार। नमस्ते 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 हरिशंकर जी। जी बहुत अच्छा लगा तेजराम कौशिक जी ने अपना कितनी दिए हैं। आप क्या कहते हैं सर। हमें लग रहा कोर्ट तो उसको एडमिशन करने के लिए दिया होगा और दबाव नहीं दिया होगा कोर्ट जो कि हाँ तुम्हें गाना ही चाहिए। अच्छा आपको जहां तक लेकिन मेरा विचार हाँ कोर्ट दबाव नहीं दिया होगा जहाँ तुम्हें ये करना ही इसके लिए बहिष्कार नहीं किया होगा। अच्छा आपको लगता है कोर्ट ने दबाव नहीं दिया होगा क्यों नहीं दिया होगा सर कोर्ट ने दबाव। देखिए सबका अपना धर्म है जैसा आपने भी कहना है कि धर्म और उपासना और विश्वास जी उसको उसमें विश्वास नहीं है नंबर एक जी अगर उसको विश्वास कमी लगा जब उसने नहीं किया वैसा का अपमान है हमारे देश का अपमान है नहीं करना चाहिए था ऐसा जी राष्ट्र ऊपर कोई नहीं हो सकता है जी जी। लेकिन इसके बावजूद भी जहां तक अभी तो आप सुनाएंगे देखते हैं क्या दिलचस्प क्या मजा आता है सुनने के बाद पता चलेगा लेकिन मेरा मानना है कि कोर्ट दबाव नहीं दिया होगा कि हाँ तुम्हें ये करना ही है करने के लिए बात नहीं किया होगा। अच्छा आपको लगता है कोर्ट ने दबाव नहीं दिया होगा। नहीं दिया होगा और दोबारा एडमिशन करने के लिए भी उसका प्रयास किया होगा आदेश किया होगा। अच्छा अच्छा चलिए बहुत बहुत शुक्रिया सर। और एक और मैं टिप्पणी करना चाहूंगा। जी जी हर व्यक्ति को अपने अपने धर्म अपना संस्कार अपना मतलब सब त्यागम रह करके परंपरागत जो होता है उसका निर्वहन करना चाहिए चाहे वो हिंदू हो मुस्लिम हो सिख हो ईसाई हो किसी भी पंथ से हो। जी जी। और आजादी ठीक है आजादी अपनी जगह है और संविधान हमारा बहुत जटिल है मैं टिप्पणी नहीं करना चाहूंगा सर्वोच्च है हमारा देश का जी और उच्चतम न्यायालय का जो भी आदेश हुआ होगा उसका मेरे सहमत हुए हम आदेश से सम्मान करेंगे जी लेकिन बाध्यता नहीं करनी चाहिए और हर व्यक्ति को अपने अपने धर्म का अपने अपने कट्टरपंथा नहीं होना चाहिए जैसे हम ये नहीं कह रहे हैं कट्टरपंथी विचारधारा से जुड़े लेकिन हर व्यक्ति को अपने जैसे कोई हिंदू है तो उसे हाँ शादी विवाह जो भी क्रियाक्रम है करना चाहिए मुस्लिम है तो उसे मस्जिद जाना चाहिए हिंदू है तो मंदिर जाना चाहिए ईसाई है तो गिरजाघर जाना चाहिए जो भी हो लेकिन उसका अपना जिसमें विश्वास जैसे आप कह रहे हैं कि विश्वास होना चाहिए अपना विश्वास धर्म ये तीन मुद्दा है आपका मेन तो धर्म है तो धर्म उपासना विश्वास आपका विश्वास किस धर्म में है। हमारा अगर हिंदू है तो हम हिंदू में विश्वास करेंगे उपासना करेंगे जो भी हमारा है हम उसको मान के चलेंगे ना कि हमें कोर्ट अगर आजादी देगा तो हाँ उसका हमें मिसयूज करें आज मिसयूज भी होता है बहुत कुछ मतलब कोर्ट का कानून के हिसाब जैसे आप लव मैरिज का देख लीजिए बहुत ऐसे हैं जहाँ उसका करते हैं लोग और कोर्ट उसका सुरक्षा देता है जो कि नहीं होना चाहिए। एक तरह देखा जाए तो अपने धर्म में अपने होना चाहिए आजादी ठीक है अपनी जगह है लेकिन इतना मतलब ये मेरा विचार है मतलब मानना पर्सनल। चलिए तो ठीक है बहुत अच्छा लगा और देखते हैं क्या होता है बहुत बहुत और स्पेशली मैं तेजराम कौशिक को धन्यवाद देना चाहूंगा कल जो उन्होंने सुनाए थे एकदा कार्यक्रम बहुत ही मैं दिल से उनको शुक्रिया अदा करूंगा बहुत ही अच्छा था और हम भी एक बार किसी धार्मिक पुस्तक में मैं ये स्टोरी पढ़े थे 7 साल पहले बहुत अच्छा लगा और मुझे याद आया जो हर एक बच्चे की ये चीज का मतलब अध्ययन और चरितार्थ करना चाहिए। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया बहुत शुक्रिया जी ठीक है। चलिए हमारे एक दोस्त का कहना है कि इनको तो गाना चाहिए राष्ट्रगान और शायद कोर्ट ने भी यही कहा होगा कि फैमिली को भी समझाया होगा और बच्चों को भी समझाया होगा कि राष्ट्रगान देश राष्ट्र सबसे ऊपर है इसमें आपको गाना ही है गाना। हरिशंकर जी ने कहा है कि कोर्ट ने दबाव नहीं दिया होगा। एक और कॉलर है जानते हैं ये क्या कहते हैं। हेलो 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 हाँ जी कौन बोल रहे हैं। मैं आकांक्षा बात कर रही हूँ। हाँ जी आकांक्षा
मुझे ये लगता है कि सुप्रीम कोर्ट ने ये जजमेंट दिया होगा कि अगर मतलब वो नहीं चाहते कि वो गाएं तो वो लेकिन सम्मान कर रहे हैं, वो चुपचाप खड़े हैं, वो ये तो नहीं कह रहे ना कि नहीं आप नहीं गा सकते, आप ये बंद करिए। तो मतलब सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें जो प्रिंसिपल ने किया वो गलत किया, उन्हें स्कूल से नहीं निकालना चाहिए था बच्चों को, क्योंकि अगर वो नहीं चाहते कि गाएं, कि हमारे संविधान में है कि हमें स्वतंत्रता है, तो क्या हमें चुप रहने की भी स्वतंत्रता नहीं है, हम चुपचाप रह सकते हैं ना। तो वो उनको रोक तो नहीं रहे ना कि आप बंद करो ये सब हमारे घर में नहीं है, ये है वो है, तो मतलब ये गलत किया जो किया बच्चों को निकाल के। अच्छा, तो आपको लगता है कि सुप्रीम कोर्ट ने यही कहा होगा कि चलिए कोई बात नहीं, नहीं गाते तो रहने दीजिए। नहीं मतलब ये सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दिया होगा कि अगर मतलब वो नहीं चाहते गाना तो हमारे उसमें स्वतंत्रता है, तो बच्चों को निकालना नहीं चाहिए था। वो शायद सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दी होगी कि आप बच्चों को दोबारा स्कूल में मतलब बुलाइए, और क्योंकि ये उनकी स्वतंत्र मतलब किसी की हम स्वतंत्रता नहीं छीन सकते ना, अगर वो ऐसा कह रहे हो कि हम नहीं आप मत गाओ, ऐसा मत करो, वैसा मत करो, तब तो हम कह सकते हैं कि हाँ ऐसी बात है तो उन्होंने उल्लंघन किया है, लेकिन जब ऐसा कुछ हुआ नहीं है तो सुप्रीम कोर्ट तो उन्हीं के फैसले में करेगी ना। चलिए, बहुत शुक्रिया आकांक्षा जी, बहुत अच्छा लगा बात करके। बहुत अच्छा मुझे ये लगा कि एक महिला ने एक और कॉलर है। हेलो हेलो, हाँ जी, स्वागत है आपका, कौन बोल रहे हैं? नमस्ते मैम, मैं सोनू बोल रहा हूँ। जी सोनू जी, क्या लगता है आपको, क्या कहा होगा सुप्रीम कोर्ट ने? मैम सुप्रीम कोर्ट ने यही कहा होगा कि नहीं इनको गाना चाहिए, क्योंकि अगर जैसे हम बच्चे को ये घर से भेजते हैं सिखा के, वैसे उनके ऊपर प्रभाव, क्योंकि ये प्रभाव होता है माता पिता का, जैसे माता पिता उनको सिखाएंगे वैसे ही वो चलेंगे। अच्छा। और उनके माता पिता अगर बोले होते बेटा हम मुस्लिम है पर हिंदुस्तान में रहते हैं तो नहीं, हमें, वो मुस्लिम धर्म के नहीं थे सर, वो किसी भी धर्म से, किसी भी संप्रदाय से थे, ये किसी और संप्रदाय से थे। जी ये कॉल कट गया सोनू जी का। तो विनीता जी, दो कॉलर्स कहते हैं कि दबाव नहीं दिया होगा, ठीक है आजादी है, और दो कॉलर्स का कहना है कि उनको गाना चाहिए। एक और कॉलर है, इनका सुनते हैं ये क्या कहते हैं। हेलो, ये केस बहुत दिलचस्प होता जा रहा है मतलब लोगों के लिए। हेलो हेलो जी, नमस्कार, कौन बोल रहे हैं? मैं रमन बोल रहा हूँ। रमन रमन रमन, हाँ जी जी, कहिए आपको क्या लगता है? मैम मेरे अकॉर्डिंग धर्म कोई भी हो राष्ट्र से ऊपर नहीं होता। अच्छा। हमेशा राष्ट्र हमेशा ऊपर होता है। अच्छा। आप कोई भी देश ले लो, कोई भी देश ले लो जी, आपको धर्म की पूरी आजादी है, आप जो मर्जी करो, बट जहाँ राष्ट्र की बात आती है राष्ट्र में कोई धर्म नहीं रहता। राष्ट्र धर्म निरपेक्ष, ठीक है, राष्ट्र हमेशा टॉप पे रहता है, राष्ट्र का कुछ भी रहेगा हमें सम्मान करना चाहिए, संविधान भी हमें यही सिखाता है कि अपने देश को सबसे ऊपर रखा जाता है जी, ठीक है, धर्म हमेशा बाद में। मेरे ख्याल से बच्चों को निकालना गलत था जी, बट प्रिंसिपल और जो कमेटी बनी थी उन्हें बच्चे और पेरेंट्स ये चीज सिखानी चाहिए कि राष्ट्र हमेशा ऊपर रहता है, धर्म सेकंड नंबर पे आता है। अच्छा, हम कोई कट्टरवादी देश नहीं है कि हम कट्टरवादी रहेंगे जी, हम धर्म निरपेक्ष देश है तो किसी भी धर्म के लिए हम वो नहीं जी। मेरे अकॉर्डिंग निकालना गलत था, बट सुप्रीम कोर्ट का यही होगा कि आप पेरेंट्स को ये मोटिवेट करना चाहिए बच्चों को कि देश हमेशा ऊपर रहता है, ये स्कूल और पेरेंट्स का यही काम होता है। चलिए बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया अपनी राय और अपने विचार। बहुत बढ़िया, मजा आ रहा है। मैं मतलब क्या केस ढूंढ के लाए, हमारे लिसनर्स बहुत सोच रहे हैं, बहुत इस पे अपने दिमाग भी लगा रहे हैं और बहुत दिल से सोच रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। तो तीन लोगों का कहना है कि गाना चाहिए उनको, और जबकि दो कॉलर्स का, आकांक्षा कहती है कि सुप्रीम कोर्ट ने दबाव नहीं दिया होगा, हरिशंकर झा भी यही कहते हैं कोर्ट ने दबाव नहीं दिया होगा पर फिर भी गाना चाहिए, ये इनका इनका सोचना है। तो फाइनली मुझे लगता है हमें खोल देना चाहिए राज, पर एक और कॉलर है पहले। अच्छा, हेलो हेलो, राम राम आदाब, सत श्री अकाल। सत श्री अकाल रजन पेंटर जी, यही कहना चाहता हूँ मतलब राष्ट्रगान तो एक ऐसा चीज है तो गाना चाहिए, कहते हिंदुस्तान हमारा साथ सारे जहाँ से। अच्छा, राष्ट्रगान तो जनगण मन है ना सर जी, है जी? राष्ट्रगान तो हमारा जनगण मन है ना। बिल्कुल हाँ, राष्ट्रगान वो तो है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट कह रही मतलब नहीं गाना चाहिए, लेकिन उसमें कुछ ना कुछ होगा, लेकिन गाना चाहिए जो चाह रहा था उसको गाना चाहिए था।
अच्छा, आपको लगता है गुड़गो गाना चाहिए। चलिए अब हम विनीता जी से कहेंगे कि वो बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा होगा। बहुत बहुत शुक्रिया रंजन जी। थैंक यू जी। कॉल आ रहे हैं, अभी भी कॉल आ रहे हैं। चलिए बात सुनने दीजिए, यही तो बात है कि हम लोगों को सुने। और हेलो हेलो, नमस्ते मैम। हाँ नमस्ते सोनू जी, नमस्ते नमस्ते मैम। मैं कह रहा था मेरे मुंह से उसमें गलत निकल गया था वो धर्म के ऊपर। मैंने मैम मैंने मैच भी देखा था अपने, मैच में इंग्लैंड का भी मैच चल रहा था, हमारा इंडिया का चल रहा था, तो उसमें जो हमारा राष्ट्रगान था तो इंडिया ने जो राष्ट्रगान गा रही थी जब ग्राउंड में, तो इंग्लैंड वाले भी गा रहे थे। मैम धर्म तो कुछ भी हो लेकिन राष्ट्रगान तो सबसे ऊपर ही होती है ना। अच्छा अच्छा, तो आपको लगता है कि उनको मतलब गाना चाहिए था। उनको सुप्रीम कोर्ट ने उनको दबाव दिया होगा कि आपको गाना चाहिए था, क्योंकि आप 100 के बीच में आप अकेले अगर मुंह बंद करके रहेंगे तो आपकी धर्म कहीं नहीं, अगर आपकी अच्छी धर्म भी होगी वो भी खराब हो जाएगी। मैम अच्छा। उनको सुप्रीम कोर्ट ने 100% मैं श्योर हूँ कि उनको बोला ही होगा कि आपको ये चीज करना चाहिए था। अगर 100 के बीच में आप अगर खड़े हैं तो आपको ये करना चाहिए, अगर अकेले हैं तो आप मत कीजिए, आपको कोई देखने वाला नहीं है। अगर 100 के बीच में तो आपको 100 आदमी तो 99 आदमी तो देख ही रहे ना आपको। जी जी, तो उनके दिल पे क्या पहुंचा होगा मैम, अगर आप किस कंट्री के नहीं है तो उनको तो 100% बोला होगा मैम। चलिए बहुत अच्छी बात है सोनू जी, ये आपने अपने विचार खुलकर यहाँ पर रखे, बहुत अच्छा लगा आपने कॉल किया, बहुत बहुत शुक्रिया जी। चलिए अभी बात करें, अभी हम हाँ, बात करते हैं। ठीक है, बहुत मतलब जो सभी लोगों ने एक और कॉलर है। हेलो हेलो जी, स्वागत है आपका, कौन बोल रहे हैं? गुड आफ्टरनून मैम, सुनील बोल रहा था मैं। सुनील जी जी सर, आप हाँ आप बताएं, आपको क्या लगता है सर क्या कहा होगा कोर्ट ने? जी मुझे तो यही लगता है मैम, सीधी सी बात है कि अगर आप किसी स्कूल में या कहीं भी कुछ सीखने के लिए जा रहे हैं, स्कूल में जाते हैं बचपन से, हम स्कूल में जाते हैं, कोई भी छोटा बच्चा होता है बड़ा बच्चा होता है तो स्कूल में उसको कुछ सिखाने के लिए भेजा जाता है, ना कि ये कि आप किसी का सम्मान मत करो या जो हमारा राष्ट्र है उसकी आप परवाह मत करो। सर परवाह करते थे, सम्मान करते थे, खड़े भी होते थे, गाते नहीं थे। अरे बट वही है ना सर, ये तो सीधी सीधी से ये हो गया कि आप अपने राष्ट्र की इज्जत करते या फिर आप उसे सम्मान नहीं देते। सही, राष्ट्रीय गान जो होता है मैम हमारे देश का राष्ट्रीय गान है, इसमें मैम एक छोटा सा स्टार्टिंग से बच्चों को यही सिखाया जाता है। सबसे पहले हम छोटे से तो पहले यही सिखाया जाता है राष्ट्रीय गान जो होता है हमारे देश का गीत है, इसकी पूरी इज्जत करनी चाहिए और हर जगह इसको यूज करते हैं। अच्छा। तो ये थोड़ी अगर आप उसे इज्जत ही नहीं दोगे तो फिर आप अपने माँ बाप को फिर अपने आस पड़ोस में किसी को कैसे इज्जत दे सकते हो अगर अपने गीत को ही आप नहीं दे सकते। तो क्या लगता है सुप्रीम कोर्ट ने दबाव दिया होगा गाने के लिए? बिल्कुल जी, पूरा 100% दबाव दिया होगा इसके लिए। बहुत शुक्रिया सर, अगले कॉलर वेटिंग में है, पहले मैं जानती हूँ इनका क्या कहना है। हेलो नमस्कार जी। नमस्ते सर जी। देखो जी मैं तो यही कहूंगा, स्कूल जो है एक ऐसा मंदिर है जिसमें धर्म से हटके जो ज्ञान की बातें हो है। जी जी, और इसमें हर धर्म के बारे में पढ़ाया जाए। जी जी, कि जो बच्चा अगर राष्ट्रगान नहीं गा रहा जी, उसके धर्म में नहीं है जी, तो वो और जो किताब पढ़ रहा है उनमें भी हिंदू धर्म के बारे में बहुत कुछ बताया जा रहा है, तो वो पढ़ेगा क्या? अच्छा, तो उसको वैसे राष्ट्रगान गाना चाहिए था जी जी, और बच्चा है स्कूल से नहीं निकालना था, उसे समझाना चाहिए था। अच्छा, तो उस कोर्ट ने भी यही कहा होगा सर? हाँ, तो ये तो देखो जी, और फिर आजादी का ये मतलब नहीं है हम आजाद हैं तो गली में लठ लेकर घुमा के चलेंगे। जी जी, दूसरे का भी ख्याल रखना पड़ेगा जी। जी जी, और हिंदू नू बताओ जी, हम दरगाह में नहीं जाते, मस्जिद में नहीं जाते या गुरुद्वारे में नहीं जाते। जी जी, या हिंदू है ठीक है, मैंने देखा है ये हिंदुओं के मंदिरों में भी जा रहे हैं। जी जी, तो ये भारत तो एक हमारा ऐसा देश है जी जिसमें धर्म से ऊपर राष्ट्र है। जी जी, तो जी। मैं तो यही कहूंगा जी, राष्ट्रगान गाना चाहिए, हर धर्म के बच्चे ने गाना चाहिए। जी बहुत अच्छा लगा जी, टेलर जी आपने भाग लिया और अपनी राय रखी, बहुत बहुत शुक्रिया। अब आप बता ही दीजिए विनीता जी, सब्र का बांध मेरा भी टूट रहा है सच में।
नहीं पर मैं आठ कॉलर्स हमारे साथ जुड़े, आठ में से छह का कहना है कोर्ट ने दबाव दिया होगा गाने के लिए, जबकि दो कॉलर्स का, एक कॉलर्स ये मानते हैं कि गाना तो चाहिए पर उनको लगता है कोर्ट ने दबाव नहीं दिया होगा, और जो हमारी महिला कॉलर थी वो पूरे जोर कि नहीं, उन्होंने अगर वो नहीं गाते हैं सम्मान करते हैं तो, लेकिन कोर्ट ने कहा होगा कि आप कोई बात नहीं, नहीं गाते हैं तो। अब यहाँ आप पर बता बहुत दो तीन बहुत इम्पोर्टेंट बहुत ही जरूरी चीजें निकल के आई हैं, और मुझे लगता है कि एक तो कोर्ट का जो के जो निर्णय है वो तो हम बताएंगे ही, लेकिन जो बातें यहाँ पे हुई हैं जो कॉलर्स ने बातें की हैं उनमें से भी बहुत सारी चीजें सीखने को हमें मिलेंगी अभी। तो एक तो बात ये कि ये जैसे आप कहते हैं ना कि आठ ने फोन किया, छः ने ऐसे बोला, दो ने ऐसे बोला, तो पहले ही ये ऐसा लग जाता है कि जो ज़्यादा संख्या में लोग हैं वो उस तरीके से बोलते हैं तो शायद वो सही होगा। और बहुत बार यही होता है हमारे आसपास कि जो ज्यादा संख्या की जो विश्वास होता है, जो ज्यादा लोग सोचते हैं जी, उस हिसाब से लगता है कि सब लोग उसी तरीके से चलना चाहिए जी, जी। ये हम बिना सोचे समझे हम ये सोच लेते हैं जी जी, कि जब बहुत सारे लोग एक तरीके के कपड़े पहनते हैं जी, जो जना वो तरीके का कपड़ा नहीं पहनता है, फिर हमें लगता है कि अरे पर वो तो यहाँ पर आए हैं इस इलाके में ऐसे कपड़े पहनते हैं तो उनको भी पहनना चाहिए, ये उनका आदर हो रहा है, है ना। तो ये जो एक हमारी एक बहुत बहुत जरूरी चीज है यहाँ पे सोचना, और मैं मुझे मन करता है कि मैं अच्छे से इसको समझाऊं कि जो बहुसंख्यक जो ज्यादा लोग सोचते हैं उनकी सोच भी हमें आदर करनी चाहिए, उनकी सोच जी, लेकिन जो कम संख्या में लोग उनकी भी सोच जरूरी है, कभी कभी हम ये भूल जाते हैं जी जी जी, कभी कभी हमको लगता है कि जो ज्यादा है उन वो ये सही होंगे जी, ये हमारी प्रवृत्ति आप देखिएगा बहुत बहुत बार हमारे दिमाग में ऐसा आता नहीं, है वो तो अक्सर हम देखते हैं जिस दुकान पर भीड़ ज्यादा होती है हम भी उसी पर जाते हैं कि ये सही होगा। तो पर हमारे देश में के जो चलाने में संविधान में एक जो बहुत बड़ा मूल्य है वो ये समझना है हमको कि हर जने का विश्वास जरूरी है जी, या हम ये नहीं कह रहे हैं कि जो ज्यादा लोग सोचते हैं वो विश्वास जरूरी है जी जी, आप ये बहुत बारीकी की चीज है, पर ये, अगर ये हम समझ गए हमारे देश के बारे में ना तो हम सच में हम समझ जाएंगे कि हमारा संविधान क्या कह रहा है जी, जी। हमारा संविधान एक एक जने एक एक जने के विश्वास धर्म और उपासना की स्वतंत्रता को मानता है जी, ये एक बहुत पावरफुल चीज है, मतलब मैं अगर आप तो एक जना अगर कहे कि मुझे इसमें विश्वास है तो संविधान उस की स्वतंत्रता भी मानेगा, ये एक बहुत जरूरी चीज है। और चाहे हम बहुत सारे लोग भी एक तरीके से समझ ले, हम ये करते हैं अपनी जिंदगी में करते हैं जहां पर हमको लगता है कि देखिए बहुत सारे लोग, और आप भी जैसे बोल रहे थे है ना, उससे कितना दबाव पैदा होता है, आठ में से छह लोग ऐसा बोल रहे हैं दबाव पैदा हो गया है ना, तो हम ये बहुत बार करते हैं। तो मैं चाहती हूँ कि हम थोड़ा सा इसके बारे में सोचें अपने जीवन में जी। और एक 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 जना हमारा मूल्य ये है कि एक एक जने का जो सोचना है उसको हमको आदर करना है, ये हमारी सोच है। और अगर जो कोर्ट केस में कोर्ट की जो बात हुई तो वो क्लियर था सुप्रीम कोर्ट का कहना कि उनका जो उनकी जो सोच थी उनका उन्होंने जो किया उन्होंने राष्ट्रगान का अनादर मतलब अपमान नहीं किया है, वो खड़े थे वो गा नहीं रहे थे पर वो असेंबली में शामिल हो रहे थे, शामिल भी हो रहे थे और खड़े भी हो खड़े भी हो रहे थे, मतलब जिस तरीके से उन्होंने उनको लगा कि मैं हम आदर कर रहे हैं लेकिन हम गाएंगे नहीं जी, क्योंकि वो मेरे हम उनके धर्म के खिलाफ जा रहा था। अच्छा। ठीक है, तो
एक दूसरी बात, जो आकांक्षा जो जिन्होंने एक बार जो उन्होंने फोन किया, उन्होंने एक बहुत बड़ा एक इम्पोर्टेंट बात बोली उन्होंने जी। उन्होंने कहा, उन्होंने ये नहीं कहा कि आप लोग मत कीजिए जी 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 ठीक है जी। उन्होंने ये भी नहीं कहा कि हम ऐसे स्कूल में नहीं जाएंगे जहां पर ये गा रहे हैं जी जी ठीक है जी। उन्होंने ये उन्होंने अनादर नहीं किया लोगों का, उन्होंने ये नहीं किया कि आप लोग गा रहे हैं ना देखिए हा 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 आप लोग गा रहे हैं देखिए कितने मेरे धर्म के तो खिलाफ है आप लोग गा रहे हो जी। ऐसा भी उन्होंने कुछ नहीं किया जी जी। उन्होंने आदर किया है, सिर्फ उन्होंने गाया नहीं है जी जी। तो कोर्ट ने क्लियरली कहा कि ये उनके मौलिक अधिकार में है जी। अनुच्छेद 21 कहता है कि हम सॉरी 19 कहता है, पिछली बार हमने बात की कि हमें अपने अपने विचार रखने का करने का वो स्वतंत्रता है स्वतंत्रता बिल्कुल है। और अनुच्छेद जो 25 है हमारा संविधान का, वो इसी में से निकल के आता है हमारे उद्देशिका में से कि हमें अपने धर्म जी। को जिस तरीके से हम उसको व्यतीत करना चाहते हैं वो उसकी पूरी स्वतंत्रता है जी। तो ये कोर्ट ने क्लियरली कहा कि उनको काफी लोग कह रहे हैं कि उनको निकालना तो नहीं चाहिए था जी। लेकिन उसमें वो भी कह रहे हैं कि उनको समझाना चाहिए था और उनके पेरेंट्स को और उनके पेरेंट्स को ये मान लेना चाहिए था। बात ये है कि राष्ट्रगान गाना ये जो चीज ये जो है ये जरूर बहुत जरूरी है और हमें उनका आदर करना जरूरी है जी। लेकिन ये राष्ट्र है क्या? हम सब हैं जी। और हम सब का मतलब ये है कि हम सबको एक दूसरे का आदर करना है जी जी। ये जो है ना ये हमें समझना जरूरी है जी जी। क्या मैं ये नहीं कह रही कि हम अनादर करें, इनफैक्ट इन्होंने भी ये नहीं कहा जी जी। बच्चे भी अनादर नहीं कर रहे थे जी जी। हाँ, लेकिन वो अपने तरीके से अपने धर्म का और राष्ट्रगान का एक मिश्रण, उन्होंने ये सोचा कि हम खड़े तो जरूर रहेंगे और वहां पर रहेंगे लेकिन हम गाएंगे नहीं जी। इन्होंने ये कोशिश की थी बच्चों ने जी जी ठीक जी। है पर यहाँ पर हमें मुझे कभी कभी ये लगता है कि हम ये कहते हैं राष्ट्र राष्ट्र सबसे ऊपर है। है हम सब एक देश के लोग हैं, हम सब बिल्कुल ही देश को प्यार करते हैं इसीलिए हम यहाँ पर हैं जी जी। ये तो बिल्कुल, पर देश क्या है? देश सब. तुम वो वंदना, देश मैं हूँ, देश वो सारे उन्होंने अभी फोन किया जी जी जी। हाँ, उन सबका आदर करना जी। और आदर करते हुए अपना धर्म निभाना जी जी। ये है हमारा देश जी। ये है हमारा संविधान जो कहता है जी जी जी। तो चलिए, बहुत से लोगों को जवाब मिल गया होगा कि फाइनली कोर्ट ने क्या कहा। तो श्रोताओं, आप भी हमारा संविधान प्रोग्राम में जो है वो जुड़ना चाहें तो कॉल कर सकते हैं, नंबर है 9873551078। इसमें एक और चीज बहुत अच्छी चीज सोचने वाली निकल के आती है। समझो ऐसा होता कि कुछ लोग हैं जिनको जिनको जो कहते हैं कि कोई धर्म नहीं है हमारा, हम किसी धर्म को मानते ही नहीं हैं जी। आप कोई भी धर्म ले लीजिए, आप लीजिए, लेकिन मैं किसी धर्म को मानने को तैयार नहीं हूँ। समझो किसी का धर्म ही नहीं है जी जी। वो चाहे किसी भी फैमिली में पैदा हो लेकिन उनको लगा कि हम मुझे किसी धर्म को मानना नहीं है जी। तो क्या हम उसकी भी स्वतंत्रता देते हैं? संविधान देता है जी जी। चाहे हम उसे समझ ना पाए जी, चाहे हमारा समाज उसको कई समाज बार रिस्पेक्ट ना करे। बिल्कुल बिल्कुल। और आपको पता है बहुत बहुत ये जो कोर्ट केस हुआ और उसकी जजमेंट आने के बाद भी समाज बहुत देर तक ये सोचता रहा कि ये ठीक नहीं है। उन बच्चों को बाद में भी और उनके उसके परिवार को बाद में भी काफी तकलीफ हुई है जी जी। क्योंकि समाज एक तरीके से सोच रहा था जी जी। कि ये तो उन्होंने गलत किया है, जैसा कि हमारे कॉलर्स और हम सोच रहे थे जी। पहले और जी। मैं बाद में गुड़गांव में मुझे एक लड़की मिली
जी जो इसी धर्म की है, जुहावाज विटनेस की थी जी। और उसके उसके साथ ये एक स्कूल में यहाँ पे पढ़ती थी, तो मैंने उससे बात की कि ये केस से, तो उसने कहा हाँ मैम लेकिन ना लोग हमें नहीं समझते। आप अब उस लड़की के बारे में सोचिए कि उसे लगता है कि इस देश में रहती है वो जी, इस देश की वासी है जी, बहुत प्यार करती है इस देश को जी, हाँ, और संविधान के तहत वो काम कर रही है जी, लेकिन समाज उसको नहीं समझ रहा जी, जी। तो हमें ये सब जब हम बात करते हैं ना, संविधान ये दूर नहीं है हमसे जी, जी। संविधान एक मूल्य पे काम करता है जी। कभी कभी समाज ये मूल्य समझ नहीं पाता है जी, जी। हाँ, हम कहने के लिए कहते हैं कि हम हाँ हम सब धर्मों को मानते हैं, हम सब कुछ, लेकिन कुछ ऐसा हो जाए जो हमारे सोचने के विपरीत हो जाता है तो हम बहुत खड़े हो जाते हैं कि नहीं नहीं ये तो सही नहीं है जी, जी, जी। सही नहीं है, ठीक है आपके हिसाब से सही नहीं है, लेकिन वो बंदा जो कह रहा है उसको सुने समझें कि उसका क्या अधिकार है जी, जी। तो ये और मेरे हिसाब से इन मूल्यों को की पूजा करना जी, जी। वो ही सही में देश की पूजा है जी, जी। दोस्तों आप सुन रहे हैं गुड़गांव की आवाज सामुदायिक रेडियो 107.8 मेगाहर्ट्ज़ पर, प्रोग्राम हमारा संविधान। मैं हूँ आपके साथ आपकी दोस्त वंदना, और मेरे साथ है वी द पीपल नामक संस्था से विनीता जी। तो क्या हम एक और केस के बारे में थोड़ा सा बात करेंगे अपने श्रोताओं के साथ? मुझे लगता है कि अगर हम एक और केस ले लेंगे तो हाँ, ये बहुत लंबा हो जाएगा। हम अपने कॉलर्स के व्यूज नहीं लेते हैं, बट एक केस आप बता दीजिए, और बता दीजिए कि कोर्ट ने उस पे क्या जो है वो फैसला दिया था। अगर लेकिन टाइम की बहुत कमी है हमारे पास, मैं अपने उन श्रोताओं का पहले शुक्रिया अदा कर दूं जिन्होंने कार्यक्रम में कॉल किया। शुक्रिया अदा करना बहुत जरूरी है वंदना, क्योंकि अपनी अपना अपनी जो आस्था है, अपनी जो विचार है वो व्यक्त करना यहाँ पर रेडियो पर वो बहुत जरूरी है। यही तो हम बात कर रहे हैं कि आपको स्वतंत्रता है कि आप किस तरीके से बोलिए, आप किस तरीके का विचार व्यक्त करिए, लेकिन ये ध्यान में रखिए कि दूसरा जना अगर आपके अपमान या कोई ऐसी चीज नहीं कर रहा है जो आपको इतनी बड़ी ठेस पहुंचे, अपने आप वो कर रहा है अपने धर्म, अपने विश्वास, अपने तो ये उसकी स्वतंत्रता है, ये संविधान उसको वो स्वतंत्रता देता है, और हमें समाज में भी देना होगा जी, जी। समाज और संविधान इतना ज्यादा अंतर नहीं रखते हैं। बिल्कुल जी, जी। तेजराम कौशिक जी, हरिशंकर झा जी, आकांक्षा जी, सोनू जी, रमन जी, रजन पेंटर जी, सुनील जी, जेके टेलर जी, विनीत जी, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए और खुलकर अपने विचार यहाँ पर रखने के लिए। यही तो है अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, जिस जो पिछले एपिसोड में हमने बात की। आप उस बात से सहमत हो या ना हो, पर खुलकर अपनी अभिव्यक्ति, अपने विचार यहाँ पर रख सकते हैं। तो दोस्तों यही था प्रोग्राम हमारा संविधान, और समय की कमी के कारण हम आपसे अगले केसेस के बारे में बात नहीं कर पाएंगे, बट बहुत अच्छा लगा कि आपने सुना और आपने इसमें भागीदारी ली। और ध्यान रखिए दोस्तों, जहां हमें कुछ अधिकार दिए जाते हैं, साथ ही साथ हमारे कुछ कर्तव्य, कुछ ड्यूटीज भी होती हैं, तो उनको भी हमें ध्यान में रखना है। अगर हमारा संविधान हमें कहते हैं कि हमें धर्म की स्वतंत्रता, इसका मतलब ये नहीं है कि हम किसी और धर्म का अनादर करें। सबकी रिस्पेक्ट कीजिए, अपने धर्म में विश्वास रखिए, उसका प्रचार कीजिए, पर दूसरे धर्म को भी उतनी ही रिस्पेक्ट दीजिए। बिल्कुल। और एक चीज जो जाते जाते मैं बोलना चाहूंगी कि ये जो बात है कि अपने, आपने जो अभी बोला कि अपने धर्म में विश्वास रखिए, आप अपना धर्म जिस तरीके से वो करना चाहते हैं आप जरूर कीजिए, ये एक हमारे देश की बहुत बड़ी बात है जी। कि आपको अपना धर्म जी, जिस तरीके से करना है वो भी पूरी स्वतंत्रता दी जाएगी, और जो 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 सरकार की पूरी जो मशीनरी है जिसको उसकी उसका धर्म नहीं होता जी, और वो सारे धर्मों को एक समान स्वतंत्रता देगा, और अपने अपना कोई धर्म नहीं होगा उसका, वो भी एक बहुत जरूरी चीज है जिस जो हमने पहले भी बात की थी जी, जी। लेकिन हमारे देश में धर्म का बहुत बड़ा एक रोल है, भूमिका है, और सबको वो भूमिका अपनी तरीके से निभानी चाहिए और खूब अच्छे से वो रहें, पर दूसरों का अनादर न करते हुए, दूसरों का रिस्पेक्ट करते हुए करें जी। तो यही हमारी स्वतंत्रता की बात है जी।
तो श्रोताओं इसी के साथ मैं वंदना अब चलती हूँ। आप सुनते रहिए गुड़गांव की आवाज और हमारा संविधान कार्यक्रम का जो है वो समय याद रखिए, शनिवार दोपहर 1 बजे, रविवार दोपहर 3:30 बजे और बुधवार शाम 7 बजे। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको हमारा संविधान कार्यक्रम अच्छा लग रहा होगा और अच्छा लग रहा होगा आपको अपने देश के संविधान के बारे में जानकर। तो श्रोताओं इसी के साथ मुझे दीजिए अनुमति, बहुत बहुत शुक्रिया विनीता जी, आप समय निकाल कर आती हैं और हमारे सारे श्रोताओं से इतनी सारी बातें शेयर करती हैं। नहीं, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का, क्योंकि इतने सारे लोगों की बात सुनना और समझना, मुझे तो आज का जो हमने हमने जो बातचीत की और जिस कितने अच्छे तरीके से लोग अपनी अपना जो सोच रहे हैं वो व्यक्त कर रहे थे, और एक बिल्कुल कि किस तरीके से उन्होंने देखा होता है कि जैसे हम कहते हैं लॉजिक कि किस तरीके से ये है क्योंकि ऐसा 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 है, कितने अच्छी तरह से लोग अपने अपनी चीजें व्यक्त कर रहे थे और उनको सुनकर अच्छा लग रहा था जी। और यही बहस से हम एक दूसरे से समझेंगे जी, और जी। सीखेंगे है ना जी। पर बहस जब हम करते हैं, अगर हमें मूल्यों का ध्यान रहता है तो ये बहस फिर अच्छे से हम कर सकते हैं, आदर से कर सकते हैं, ना कि तू सही है या मैं सही, किसी को ठेस ना पहुंचाते हुए सबका आदर करते हुए जी। तो श्रोताओं इसी के साथ मुझे यानी कि वंदना को दीजिए अनुमति, अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए, सुनते रहिए गुड़गांव की आवाज, आपकी आवाज, आपका रेडियो। नमस्कार।